हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है डीजी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल बिल्कुल आप लोगों के लिए ही बना है। यहाँ पर आप लोगों की गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए इम्पोर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन डिस्कस कराने वाला हूँ, बुलेट फायर का क्वेश्चन, जो कि टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड से रिलेटेड है। तो गाइस, अगर अभी तक आप लोगों ने वीजी अकेडमी क्रिएटिंग द फ्यूचर को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हम लोगों का क्वेश्चन है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर कि आप लोगों को क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है, एक आदमी दो गोली 16 मिनट के अंतराल में चलाता है, लेकिन एक आदमी जो ट्रेन में बैठा है वह दावा करता है कि उसने दोनों गोली को 15 मिनट के अंतराल में सुनी है। यदि ट्रेन आदमी की तरफ ही आ रही है जिसने गोली चलाई है, तो आप लोगों को दोस्तों ये ज्ञात करना है कि ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है, आवाज की गति 330 मीटर प्रति सेकंड की है। दोस्तों, ये चीज आप लोगों को दी गई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का एसएससी के एग्जामिनेशन में, रेलवे के एग्जामिनेशन में, सभी के अंदर ये क्वेश्चन काफी बार आप लोगों से ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे कि इस तरीके के क्वेश्चन को किस अटेम्प्ट से, किस तरीके से हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। तो गाइस, इससे पहले इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले एक मैं आप लोगों को सिंपल सा बिल्कुल इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को समझाता हूँ। गाइस, चलते हैं हम लोग अपनी अगली स्लाइड पर, जिसके अंदर हम आपको समझाते हैं एक सिंपल सी, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो गाइस देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली मैंने, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर मैंने कहा कि गाइस, जैसे कि हम लोगों का यहाँ पर एक बंदा है, एक बंदा खड़ा है, उसने यहाँ से फायर करी, उसने यहाँ से फायर करी, ठीक है। अब जो इस गोली की आवाज है, जब बुलेट आप लोगों की फायर हो गई, आप लोगों ने यहाँ से क्या कर दी, एक बुलेट को फायर कर दिया। अब जो बुलेट फायर हुई है, उसकी आवाज सुनाई दे रही है एक आदमी को यहाँ पर। ये बंदा बिल्कुल शांत स्वभाव में यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, बिल्कुल शांत स्वभाव में यहाँ पे खड़ा है, उसे आवाज सुनाई दे देती है ना, साउंड ऑफ बुलेट, बुलेट की आप लोगों की आवाज सुनाई दे देती है। उसके बाद गाइस, ये जो यही बंदा है, इसने आखिर 10 मिनट बाद, 10 मिनट बाद एक गोली और चला दी, एक बुलेट और फायर कर दी। अब जो ये बंदा था, ये यहीं की यहीं पर खड़ा है, ये कहीं पर नहीं हिला, तो जो इसको गोली की आवाज है वो पूरे 10 मिनट बाद सुनाई देगी। भाई 10 मिनट बाद गोली चली है, तो इसे जो आवाज है वो 10 मिनट बाद ही सुनाई देगी, ठीक है, इसे 10 मिनट बाद ही सुनाई देगी, बिल्कुल करेक्ट हो गया। लेकिन दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं यहां पर एक दूसरे बंदे की, मैंने एक लाइन और यहां पर ली, ठीक है, एक लाइन और ड्रॉ हम लोगों ने यहां पर कर ली है, इससे आप लोगों को थोड़ी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। गाइस देखिए, मैंने बोला कि अब क्या हो रहा है कि वही बंदे ने फायरिंग करी, उस बंदे ने यहाँ पर क्या की है, यहाँ पर फायरिंग करी है, ठीक है। फायरिंग के बाद अगर आप लोग गाइस चेक करेंगे, तो उस जो दूसरा वाला बंदा है, उसे बुलेट की आवाज यहाँ पर सुनाई दे गई कुछ समय में, मतलब कि जो भी स्पीड ऑफ साउंड है उस हिसाब से उसे जो है बुलेट की आवाज यहाँ पर सुनाई दे गई, साउंड ऑफ बुलेट, ठीक है। तो गाइस, उसके बाद गाइस हम लोगों ने बोला कि जब इसने इस बार 10 मिनट बाद, 10 मिनट बाद ये क्या करता है, दोबारे से फायरिंग करता है। ये थी कंडीशन नंबर वन, जब ये आदमी बिल्कुल शांत स्वभाव में खड़ा है, कहीं भी हिल डुल नहीं रहा। लेकिन गाइस, जब 10 मिनट बाद फायर करी इस वाले बंदे ने, तब क्या हुआ, जो यहां पर ये वाला बंदा खड़ा है, ये यहां से चलकर यहां पर पहुंच जाएगा, मतलब कि वो धीरे धीरे चलता हुआ जा रहा है, धीरे धीरे चलता हुआ जा रहा है। अब जो है इसे बुलेट, जो दूसरी बुलेट फायर की गई है 10 मिनट बाद, उसकी आवाज उसे कुल मिलाकर यहां पर सुनाई देगी, ठीक है। और वो क्या कहता है कि भाई, जो मैंने पिछली वाली बुलेट की आवाज सुनी थी और जो अब वाली मैंने बुलेट की आवाज सुनी है, भाई उसके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, उसके बीच में जो डिफरेंस है वो कुल मिलाकर 8 मिनट का है, उसने ये बोला। जबकि बुलेट जो चली थी आप लोगों की 10 मिनट बाद चली है ना, लेकिन ये कह रहा है कि मैंने तो दोनों बुलेटों के जो बीच की आवाज है भाई, वो मैंने कितने टाइमिंग में सुन ली है, 8 मिनट के अंदर सुन ली है। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि गाइस इस ये बंदा अगर यहीं पे खड़ा रहता,
तो इसको बिल्कुल बुलेट की जो आवाज है 10 मिनट बाद ही सुनाई देती, लेकिन जिस आदमी ने गोली चलाई है ये उसकी तरफ जा रहा है, उसकी तरफ क्या कर रहा है, उसकी तरफ मूव कर रहा है, तो जो आवाज है ऐसे बुलेट की वो भाई थोड़ी पहले सुनाई दे देगी। अब गाइस इस वाले डिस्टेंस को देखिए कैसे निकाला जाएगा। इस वाले डिस्टेंस को निकालना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी स्टूडेंट्स के लिए। देखिए इस डिस्टेंस को देखिए, मैंने कहा कि जितनी देर में हम लोगों ने कहा कि इस वाले डिस्टेंस को हम लोगों ने एक्स मान लिया, जितना इस आदमी ने कवर किया है, ठीक है। मैंने बोला कि एक्स डिस्टेंस को कवर करने में बुलेट 2 मिनट का टाइम लगाती है, उतने ही एक्स डिस्टेंस को कवर करने में जो हमारा ये आदमी है वो 8 मिनट का टाइम लगाता है। बात समझ में आ रही है कि भाई अगर आदमी यहां से हिलता नहीं तो उसे बुलेट पूरे 10 मिनट बाद सुनाई देती, लेकिन वो यहां से हिल के यहां पर पहुंच गया तो जो उसे बुलेट है वो 8 मिनट बाद सुनाई दे रही है ना। मतलब कि भाई इसने यहां से यहां तक का डिस्टेंस 8 मिनट में कवर किया है, जबकि ये वाली बुलेट यहां से यहां तक का डिस्टेंस 2 मिनट में कवर करती है। तो आप लोगों से इस आदमी की स्पीड पूछी जाती है, तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। मैंने क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को स्पीड ऑफ साउंड दे दिया, जैसे कि स्पीड ऑफ साउंड मैंने गिवन कर दिया आप लोगों को कितना, 330 मीटर पर सेकंड, कितना दे दिया, 330 मीटर पर सेकंड मैंने जैसे कि आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया। तो गाइस देखिए आप लोग कहेंगे कि सर जो ये स्पीड ऑफ साउंड है 330 मीटर पर सेकंड गुणा सर यहां पर ये टाइम लगाती है कितना, 2 मिनट का टाइम लगाती है बुलेट इस पॉइंट पर पहुंचने में, ये वाला डिस्टेंस कितने के बराबर होगा, ये वाला डिस्टेंस बराबर होगा स्पीड स्पीड ऑफ अ मैन जो आदमी की स्पीड है इनटू आप लोग कर देंगे किससे कि भाई जो टाइमिंग है वो 8 मिनट यहां पर पहुंचाने में लगता है, उसे 8 मिनट यहां पर आने में लगते हैं, मिनट से मिनट कैंसिल गाइस, एंड यहां पर कर देंगे 2 4 8, इस तरीके से हो गया। अब गाइस यहां से आप लोग सिंपलीफाई करके स्पीड ऑफ मैन निकाल सकते हैं, स्पीड ऑफ मैन आपकी कितनी आ जाएगी, 330/4। लेकिन दोस्तों जो ये स्पीड आएगी मीटर पर सेकंड में आएगी, अगर आप लोगों को इस स्पीड को किस में चेंज करना है, इस स्पीड को अगर आप लोगों को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और ये आंसर आपका किस में आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल इसी पर बेस है हम लोगों का ये वाला क्वेश्चन, तो यहां से इस तरीके से हम लोग सोल्व करेंगे तो आप लोगों की जो है क्या निकल कर आ जाएगी, स्पीड ऑफ अ मैन पता चल जाएगी। बिल्कुल इसी पर बेस है दोस्तों ये वाला क्वेश्चन, आपको बोला गया है कि एक आदमी जो है 2 गोली चलाता है ना 16 मिनट के अंतराल में, लेकिन जो एक आदमी ट्रेन के अंदर बैठा है वो यह दावा करता है कि उसे गोली 15 मिनट के अंतराल में सुनाई दी गई है। तो गाइस इसके लिए मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, अगेन मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है दोस्तों यहां पर, ठीक है, एक लाइन जैसे कि मैंने यहां पर ड्रॉ करी, तो मैंने कहा कि जो बुलेट चला रहा है बंदा, उसने यहां पर एक पहली बार बुलेट चलाई, तो जब बंदा यहां पर था तो उसे बुलेट की आवाज सुनाई दे गई है ना, लेकिन गाइस जब वो 16 मिनट बाद 16 मिनट बाद दूसरी बुलेट चलाता है, प्लस के 16 मिनट बाद दूसरी बुलेट को फायर करता है, तब वो बंदा ट्रेन के अंदर बैठा हुआ था, वो कुल मिलाकर यहां पर पहुंच जाता है, ठीक है, वो यहां पर पहुंच जाता है, तो वो कहता है कि मुझे 16 मिनट नहीं, मुझे 15 मिनट बाद बुलेट की आवाज सुनाई दी गई है। कितने मिनट बाद बुलेट की आवाज सुनाई दी गई है, 15 मिनट बाद। तो हमें ट्रेन की स्पीड बतानी है भाई, आदमी ट्रेन के अंदर बैठा है तो जो ट्रेन की स्पीड है वही उसकी स्पीड हो गई, मतलब कि ट्रेन की स्पीड बोलिए या आदमी की स्पीड बोलिए, तो हमें 15 मिनट बाद इसे आवाज सुनाई दी है, तो आप लोग बताइए स्पीड ऑफ अ ट्रेन कितनी होगी। तो वही फंडा लगाएंगे दोस्तों, क्या फंडा था हम लोगों का कि इस वाले डिस्टेंस को मैंने एक्स मान लिया, इस वाले डिस्टेंस को मैंने एक्स मान लिया, जो आप लोगों को साउंडो की मतलब कि आप लोगों को दी गई है स्पीड ऑफ अ साउंड 330 मीटर प्रति सेकंड दी गई है, तो आपने बोला कि सर यहाँ पर इस वाले डिस्टेंस को कवर करने में, देखिए इस वाले डिस्टेंस को कवर करने में बुलेट कितना टाइम लगाएगी, अगर ये आदमी यहीं का यहीं खड़ा होता तो 16 मिनट बाद सुनाई देती, लेकिन सुनाई कितनी देर बाद दी रही है, उसे 15 मिनट बाद। तो हम लोगों ने कहा कि जो बुलेट है इस वाले डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 1 मिनट का टाइम लगाती है, जिस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो ये आदमी है 15 मिनट का टाइम लगाता है, तो स्पीड ऑफ अ साउंड है आपकी 330 मीटर पर सेकंड, और गाइस गुणा कर देंगे हम कितने से, 1 मिनट से। इतने ही डिस्टेंस को कवर करने में जो ट्रेन है वो कितना टाइम लगाएगी, स्पीड ऑफ अ ट्रेन जो भी होगी स्पीड ऑफ अ ट्रेन आप लोग निकाल लेंगे मतलब कि गुणा कर देंगे 15 मिनट से, ठीक है। तो दोस्तों मिनट से तो मिनट मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, सो 330
बटे 15, क्या कर दूंगा मैं यहाँ पर 330 बटे 15, लेकिन ये जो आंसर आएगा मीटर पर सेकंड में आएगा, तो मुझे गुणा करनी पड़ेगी कितने से, 18 बटे 5 से, तो मुझे स्पीड ऑफ अ ट्रेन पता चल जाएगी। दोस्तों थोड़ा मैंने ब्रॉडली क्वेश्चन को समझाया है, लेकिन क्वेश्चन बहुत जबरदस्त तरीके से समझाया है। इस क्वेश्चन को कोई भी स्टूडेंट अब गलत नहीं कर सकता किसी भी तरीके से। जब आप लोग इसे सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर स्पीड ऑफ अ ट्रेन जो है आप लोगों की निकल कर आएगी कितनी, स्पीड ऑफ अ ट्रेन निकल कर आप लोगों की 79.2 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी, 79.2 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को दिया गया है। बिल्कुल इसी फंडे से करेंगे हम लोगों ने 5 से 10 मिनट क्वेश्चन को समझने में लगाया तो है, लेकिन आगे आने वाले जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होंगे उसके अंदर आप लोगों को कभी भी कोई दिक्कत आने की ही नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आई होप कि गाइस जिस तरीके से समझाया है सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों अपनी इस वाली वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तो दोस्तों अपने जो भी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके साथ हमारे यूट्यूब चैनल वीजी एन अकेडमी को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज उसे लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। ओके, सो गाइस अभी के लिए रखते हैं केवल इतना ही। अभी तक बने रहने के लिए धन्यवाद आप सभी लोगों का।